So very good good morning to everyone. तो मैं बैठता हूँ तो अपना वीडियो बनाता हूँ, कुछ बातचीत होती रहती है। तो आज एक और चीज़ को देखते हैं कि जो हिंदू में हम लोगों में क्या होता है, जो हिंदू ट्रेडिशन। वैसे हमारा धर्म हिंदू तो कुछ नहीं है, सनातन धर्म ही है हम सब, ठीक है। बट एनी आप अगर हम हिंदूज भी कह रहे हैं तो हमारे में कैसे ये एक शादी की प्रथा का प्रारंभ हुआ। देखिए, ये हमारे यहाँ एक ही शादी क्यों होती है इसको समझ लें पहले थोड़ा सा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि महाभारत से लिया गया है, जो महाभारत में है। पहले देखिए आप, द्रौपदी के पांच पांच पांडव थे, पांच पति थे आप कह सकते हैं। तो अब वो पांच पति थे, ठीक है। पहले क्या था, समाज दूसरे तरीके का था। समाज में पॉलीगैमी भी थी और पॉलीएंड्री भी थी, ठीक है। मतलब अगर महिलाएं इकोनॉमिकली अगर सक्षम है तो वो कई पति रख सकती थी। और पॉली एंड्री और पॉलीगाइनी में क्या है कि अगर पुरुष राजा था तो उसकी कई रानियां होती थी। इट्स अ वेरी इट वॉज अ नेचुरल थिंग। अब देखिए बीच में क्या हुआ, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पतन होती गई। महिलाएं पूरी तरीके से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गई पुरुषों पर, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ की मतलब एक, वैसे हमने एक हिंदू मैरिज एक्ट बनाया है 1955 का, ठीक है। उससे हमारी शादियाँ गवर्न होते हैं, उससे हम सब उस लॉ से गवर्न होते हैं। लॉ ऑफ द लैंड है वो, तो इसलिए हम लोग एक शादी करते हैं। वो लैंड, वो जो लॉ है वो उसी स्टोरी से लिया गया है। स्टोरी में क्या था कि महाभारत में स्टोरी है, एक बहुत बड़े सेंट थे, उनका नाम था उद्दालक। उद्दालक के जो पुत्र बेटे थे उनका नाम था श्वेत केतु। उस ज़माने में महिलाओं के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो जितने चाहे उतने पुरुषों के साथ रह सकती थी। ओके, देर वॉज फ्रीडम। तो एक दिन श्वेत केतु बैठे हुए थे और उद्दालक भी बैठे थे, उनकी माताजी भी बैठी थी। तो एक बाहर से कोई स्ट्रेंजर आया और वो उनकी श्वेत केतु की माताजी के साथ चला गया, ठीक है। और श्वेत केतु जी माता जी को उसने कहा कि मतलब बात हुई, तो श्वेत केतु जी माता उस अजनबी के साथ चली गई। तो उद्दालक ने अपने पापा से, ये श्वेत केतु ने अपने पापा से कहा उद्दालक से कि भाई ये तो चले गए ऐसे। तो उद्दालक ने कहा मैं रोक नहीं सकता क्योंकि तो ये नियम ही नहीं है महिलाओं को जाने से। तो उस दिन से श्वेत केतु ने नियम बना दिया। एक आदमी था श्वेत केतु जिसने नियम बना दिया कि महिलाएं अपने पुरुष के साथ ही रहेंगी, जिसके शादी करेंगी उसी के साथ ही संबंध बना सकती हैं बस, और किसी और मर्द के साथ वो नहीं रह सकती। तो फ्रॉम दैट डे ये चल रहा है और ये आज तक चल रहा है। ये प्रथा सही भी है, मैं इसको मतलब बहुत गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर ये प्रथा ना हो तो समाज में एनार्की फैल जाएगी, ठीक है ना, केओस हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं, क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये वहाँ से शुरू हुआ है। अब क्या हुआ इधर, पहले तो अब महिलाएं आज की डेट पे आप देखेंगे तो महिलाएं कम्प्लीटली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गई, है ना, बीच में पुरुषों पर। अब आजकल फिर से वापस आ रहा है, अब महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो वो अपने किससे शादी करनी या नहीं करनी है उसको चुन सकती हैं, ठीक है। तो आगे जो समाज का इवोल्यूशन मैं देख रहा हूँ सोसाइटी का, वो ऐसे ही होगा कि ये महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा कि वो किस पुरुष को चाहती हैं या किस पुरुष से शादी करना चाहती हैं। अब ये पुरुषों के, क्योंकि हाथ से चला जाएगा कि वो किस महिला शादी करना चाहते हैं, क्योंकि सब सारा का सारा खेल इसमें पैसे का ही है। जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वो अपनी चॉइस रखेगा। कोई महिला IAS अधिकारी हैं या कोई बड़े पद पर महिला बैठी हैं बिजनेस वूमेन, वो अपने हिसाब से अपने पति चुनती हैं। वो ये थोड़ी कि समाज के हिसाब से किसी आदमी ने उनको चुना हो ना। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये एक अच्छा ट्रेंड है, ठीक है ना। इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड एंड इट शुड कंटिन्यू। पुरुषों में महिलाओं में स्पर्धा होगी कि कौन अच्छा है, और इससे हमारा जो पूरा सेटअप है ना, एवोल्यूशन होगा। इससे वीमेन और मैन दोनों में एवोल्यूशन होगा। कंपटीशन से ऐसा नहीं, फ़ायदा है और दोनों को, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। हो।